हेलो दोस्तों, निकिता शर्मा पार्ट दो में आपका स्वागत है। अगर आपने पार्ट एक नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। निकिता शर्मा एक प्रसिद्ध भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री और एक मॉडल है। उनका जन्म 28 अगस्त 1990 को नई दिल्ली में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उसके पिता एक बिल्डर थे। उन्होंने अपनी शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने अपने पिता को व्यवसाय में सहायता की। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने से पहले वो बेकरी के बिजनेस में भी थी। उन्होंने 2008 में मिस हेयर होस्टेस अकादमी का खिताब जीतने के बाद अपने करियर की शुरुआत की। वो दिल्ली से है और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए उसने खुद को मुंबई स्थानांतरित कर लिया था। उसके शौक में यात्रा करना और काम करना शामिल है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट जेवियर्स स्कूल से पूरी की और दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अपना कॉलेज पूरा करने के बाद उसने अपने पिता के व्यवसाय में सहायता की। वर्ष 2008 में उन्होंने अकादमी का खिताब जीता मिस एयर होस्टेस। उन्होंने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और कोका कोला, टीवीएस स्कूटी, लेज और आदि जैसे ब्रांडों के विभिन्न विज्ञापनों में भी दिखाई दी। उन्होंने कई फोटो शूट और रैंप वॉक भी किए। 2012 में उन्होंने भारतीय सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लिया जिसे उन्होंने जीता और वो जुलाई अगस्त 2012 में एनलाइटेस इंडियन पत्रिका की कवर गर्ल थी। उन्होंने वी इंडिया के टीवी चैनल पर 2013 में वी द सीरियल तानी के रूप में अपना टीवी करियर शुरू किया। वो संजीव बल के म्यूजिक वीडियो तेरी याद में नजर आई थी। वो एक भारतीय किशोरी के कंफेशन में भी दिखाई दी थी। उन्होंने कई अन्य धारावाहिकों में काम किया जैसे ये है आशिकी, प्रज्ञा के रूप में। ये शो 25 अगस्त 2013 को बिंदास चैनल पर शुरू हुआ था। उन्होंने जिंग टीवी पर प्यार तूने क्या किया धारावाहिक में एक भूमिका निभाई और सहारा वन पर धारावाहिक फिर जीने की तमन्ना है में तानी के रूप में भी भूमिका निभाई। उन्होंने प्रसिद्ध कोरियोग्राफर से बॉलीवुड शैली के नृत्य रूपों को सीखा है सरोज खान। उन्होंने एक धारावाहिक एमटीवी फन्ना में के रूप में अभिनय किया। निकिता शर्मा को महारक्षक देवी में देखा गया था जिसमें उन्होंने शुक्राचार्य के साथ देविका की भूमिका निभाई थी। वो निश्चित रूप से युवा और प्रतिभाशाली अभिनेताओं में से एक है और उनका आगे का करियर शानदार है। बेस्ट विशेस टू हर।